Good morning dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class we are going to start the 21st chapter of class 7th ICSE Mathematics that is Data Handling. In this class we will complete exercise 21st A from the book Selina Coincide. So let's get started. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग कंसिडर द फॉलोइंग नंबर ये हमें कुछ नंबर्स गिवन है इस नंबर्स को देखने हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर हमें ये पूरे जो हमें नंबर्स गिवन है ये नंबर्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है वैसे आपने छोटी क्लासेस में किया ही होगा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे छोटा अक्षर है सबसे छोटा डिजिट है उसको सबसे पहले रखना है बाद में आपने क्या करना है ज्यादा बड़ा 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 और लास्ट पर आपने बड़े वाला अक्षर लिखना है ठीक है तो क्या आ जाएगा देखो अगर मैं पूरी सीरीज को देखूँ ये पूरी सीरीज को तो इसमें मेरे को सबसे छोटा लग रहा है फिफ्टी टू तो फिफ्टी टू आ जाएगा सबसे आगे उसके बाद मेरे को छोटा लग रहा है यहाँ पे फिफ्टी के बाद सिक्सटी वाली कोई लाइन फिफ्टी वाले तो सिक्सटी थ्री आ जाएगा थ्री इज देयर तो एक और सिक्सटी थ्री आ जाएगा देन वी आर हैविंग हेयर सेवनटी देन आई एम हैविंग सेवनटी वन देन वी आर हैविंग सेवनटी थ्री सेवन सेवनटी सिक्स सेवनटी सेवन एटी टू एटी थ्री देन वी आर हैविंग नाइनटी देन वी आर हैविंग नाइनटी टू नाइनटी थ्री नाइनटी नाइन वन हंड्रेड देन वी आर हैविंग वन देन एट लास्ट वी आर हैविंग वन तो मैंने पूरे नंबर्स क्या आ गया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ठीक है सो इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड फाइंड द रेंज ऑफ दिस नंबर रेंज क्या मतलब क्या होता है रेंज मतलब रेंज इज़ इक्वल्स टू लार्जेस्ट नंबर रेंज इज़ इक्वल्स टू लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है लार्जेस्ट नंबर में से स्मालेस्ट नंबर को माइनस कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगी तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है लार्जेस्ट नंबर इज़ 115 हंड्रेड फिफ्टीन माइनस स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है फिफ्टी टू तो इन दोनों को माइनस कर दो माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा फोर्टी एट सो रेंज ऑफ दिस टर्म और रेंज ऑफ दिस नंबर इज़ फोर्टी एट ओके नेक्स्ट आई एम हैविंग सेकेंड क्वेश्चन इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गवन विद रिप्रेजेंट द फोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यून टेबल हमें ये कुछ डाटा गवन है इस डाटा को हमने क्या करना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करना है बनाना उसको कैसे बनाओगे देखो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें ऐसे कुछ टेबल बनाना है टेबल में थ्री हमें चाहिए ये कॉम्स ठीक है दो वेरी फर्स्ट कॉलम वी आर हैविंग ऑफ द नंबर्स पहले हमें क्या चाहिए एक नंबर्स चाहिए देन वी आर हैविंग द टेलीमार्क सेकेंड में हमें टैली मार्क चाहिए ठीक है और थर्ड बॉक्स में, में क्या चाहिए थर्ड बॉक्स में वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी तो आपने ऐसे एक टेबल बना लेना टेबल बना के आपने ऐसे लिखना फर्स्ट में नंबर्स देन वी आर हैविंग टैली मार्क देन वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी तो देखो हमसे सबसे पहले तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इस पूरे जो डाटा डाटा में सबसे स्मॉलेट नंबर कौन सा है फिफ्टी नंबर फिफ्टीन से स्मॉलेस्ट कोई नंबर नहीं है ठीक है तो फिफ्टीन नंबर लिख लो आप यहाँ पे तो अब अभी क्या करना है मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की जो फिफ्टीन है वो कितने बार आया इस टेबल में तो देखो फिफ्टीन कितने बार आया एक तो मेरे पास यहाँ पे है फिफ्टीन वन टू देन वी आर हैविंग ही थ्री फोर देन वी आर हैविंग फाइव और बस फाइव बर ना फाइव बार आ रहा है फाइव ठीक है फिफ्टीन क्या है फाइव बार आ रहा है तो आपने क्या करना है फिफ्टीन को फाइव बार लिखना है फ्रिक्वेंसी आपने लिख देनी है फाइव ठीक है नेक्स्ट वे हेविंग टेली मार्क टेली मार्क का मतलब क्या होता है कि आप अगर आपने छोटे क्लासेस में किया होगा ठीक है नहीं किया तो देख लो टेलीमार्क का मतलब क्या होता है आपने ऐसे लाइन्स लगानी हैं वन टू थ्री फोर फोर पे आके स्टॉप हो जाना फाइव आपने ऐसे लगाना है फाइव स्लैंड लाइन ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव ही आ जाएगा आपके पास टैली मार्क देन वी आर हैविंग नेक्स्ट नंबर सिक्सटीन अभी आपको सिक्सटीन काउंट करना है कि पूरे डाटा में सिक्सटीन कितनी बार है अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कि जो सिक्सटीन है वो सेवन टाइम्स है फ्रीक्वेंसी कितनी सिक्सटीन की सेवन टाइम्स इसका टेलीमार्क बना लो कितना आ जाएगा वन टू थ्री फोर देन वी आर हैविंग फाइव देन वी आर हैविंग सिक्स सेवन तो मार्क आ गया मेरे पास सेवन का सिक्सटीन का ठीक है नेक्स्ट वी हैविंग सेवनटीन नंबर तो सेवनटीन नंबर इस पूरे डाटा में कितनी बार आया अगर आप काउंट करोगे तो सेवनटीन नंबर इलेवन टाइम्स आया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई सेवनटीन नंबर की दैट इज इलेवन अभी आपने टैली मार्क बनाना कैसे बनाओगे वन टू थ्री फोर देन वी आर हैविंग फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन देन वी आर हैविंग एलेवन ठीक है समझ आ गया सो नेक्स्ट वीर हैविंग एटीन नंबर एटीन नंबर आप काउंट करो कितनी बार आएगा तो आप काउंट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइव तो एटीन नंबर फाइव टाइम्स आएगा सो इट विल बी वन टू थ्री फोर देन वी आर हैविंग फाइव ठीक है देन वी आर हैविंग नाइनटीन नंबर नाइनटीन नंबर को आप काउंट करोगे सभी डाटा में तो so, नाइनटीन आप देखोगे सिक्स टाइम्स आएगा तो इट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव देन वी आर हैविंग सिक्स ओके देन वी आर हैविंग ट्वेंटी नंबर तो ट्वेंटी नंबर आप काउंट करो डाटा में कितनी बार आएगा ट्वेंटी नंबर थ्री टाइम्स आएगा ठीक है तो इट विल बी वन टू थ्री ठीक है देन वी आर हैविंग ट्वेंटी वन नंबर तो ट्वेंटी वन नंबर आप काउंट करो कितनी बार आएगा ट्वेंटी वन नंबर भी थ्री टाइम्स आएगा थ्री बार आएगा ठीक है तो इट विल बी वन टू थ्री तो ये हमने क्या किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया अभी आप को इस सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो इन सभी को ऐसे ऐड कर दो फाइव प्लस सेवन प्लस इलेवन प्लस फाइव सभी को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आंसर विल बी फोर्टीन तो आप इसको काउंट भी करके देख लो वन टू थ्री फोर आप ऐसा सभी टर्म्स को काउंट करोगे ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपका आंसर भी कितना आएगा फोर्टी आंसर आएगा अगर आपको आंसर चेक करना है कि जो मैंने फ्रिक्वेंसीज निकाली है सभी करेक्ट है कि नहीं तो आप इन सभी का ऐड कर दो अगर इन सभी का ऐड करने पर जो आंसर आया वो सेम आंसर होगा नंबर ऑफ जो टीचर्स है यहाँ पे वन है टू है थ्री फोर फाइव ऐसे नंबर ऑफ डाटा को आप काउंट कर लो और ये वाला नंबर काउंट कर लो तो ये सेम आएगा अगर तो सेम आए तो आपका आंसर ठीक है वरना आपका जो ये फ्रिक्वेंसी का टेबल है ये गलत है ठीक है सो so now वी आर हैविंग थर्ड क्वेश्चन इन थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ डाई was थ्रोन twenty टाइम्स एंड फॉलोइंग स्कोर्स वर रिकॉर्डेड एक डाई है उसको twenty टाइम्स थ्रो किया twenty टाइम थ्रो करने पे इसने ये कुछ देखा कि ऐसे ऐसे कुछ अक्षर आए हैं ठीक है थीके? देखो वैसे तो आप डाई को जब थ्रो करोगे तो डाई को थ्रो करने पे सिक्स पॉसिबल आउटकम्स ही होंगे या तो one आएगा या two आएगा three आएगा four five और six ये भी सिक्स पॉसिबल आउटकम्स है ना क्योंकि डाई के पास सिर्फ सिक्स ही होते हैं one से लेके six तक होते हैं ठीक है थीके? सो पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे हमारे पास सिक्स दैट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है अभी हमारे पास कुछ डाटा गिवन है डाटा के अकॉर्डिंग हमें काउंट करना है कि वन कितने टाइम्स आया इन पूरे डाटा में वन कितने टाइम आया टू कितने टाइम आया वो हमें लिखना है यहाँ पे ठीक है अगर आप काउंट करोगे तो जो वन है वो वन कितनी बार आया आप काउंट करो वन टू थ्री फोर तो वन फोर टाइम्स आया फ्रीक्वेंसी कितनी है वन की फोर टैली मार के आ जाएगा वन टू थ्री फोर ठीक है नेक्स्ट में हैविंग टू तो अगर आप टू को काउंट करो इस डाटा से तो टू को काउंट करोगे तो जो टू है वो भी फोर टाइम्स आया ठीक है वन टू थ्री फोर तो कितना आ जाएगा वन टू थ्री फोर नेक्स्ट में हैविंग थ्री थ्री कितने बार आया थ्री आया मेरे पास थ्री टाइम्स सो इट विल बी वन टू थ्री नेक्स्ट में हैविंग फोर फोर कितने टाइम्स आया फोर भी थ्री टाइम्स आया इट विल बी वन टू थ्री फाइव कितने टाइम्स आया फाइव भी हमारे पास यहाँ पे थ्री टाइम्स आया तो इट इज़ ऑल्सो वन टू थ्री सिक्स ऑल्सो थ्री टाइम्स दैट इज़ थ्री वन टू थ्री ठीक है अभी आप क्या करो फ्रीकवेंसी को सभी काउंट कर लो ऐड कर दो ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी आ गया तो अभी आप इन सभी को काउंट कर लो मैंने ट्वेंटी टाइम्स रो किया मतलब ट्वेंटी हमारे पास आउटकम्स होंगे तो ट्वेंटी और ट्वेंटी ठीक है तो आपका जो पूरा ही फ्रिक्वेंसी टेबल है ही करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट वी हैविंग फोर्थ क्वेश्चन इन फोर्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद फॉलोइंग डाटा शोज द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ टेन वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एक फैक्ट्री में टेन वर्कर्स हैं और टेन वर्कर्स की हमें जो वेजेस है पे वो हमें गिवन है यहाँ पे ठीक है एक वर्कर की थर्टी फाइव हंड्रेड है दूसरी की फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ऐसे टेन वर्क के हमें पे गिवन है प्रिपेयर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फर्स्टली मैंने फ्रीकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है ठीक है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है इसमें हमें क्या गिवन है सबसे मिनिमम किसकी वेज है सबसे मिनिमम हमारे पास गिवन है दैट इज थ्री फाइव जीरो जीरो तो एक वर्क कितने वर्कर्स की थ्री फाइव जीरो जीरो पे है तो इन टोटल में टेन वर्कर मेरे एक वर्कर की जो फ्रीक्वेंसी है जो मतलब एक वर्कर की जो पे है वो थ्री फाइव ज़ीरो जीरो रुपीज़ है टेलीमार्क भी कितना आ गया वन आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग थ्री सेवन फाइव जीरो हमारे पास ये वाला आ जाएगा थ्री सेवन फाइव जीरो आप अरेंज कर लो पहले इसके बाद क्या जाएगा? 4, आ जाएगा फोर थाउजेंड आ जाएगा ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है हमेशा तो फोर थाउजेंड आ जाएगा नेक्स्ट में हैविंग फोर टू फाइव जीरो नेक्स्ट में हेविंग फोर टू फाइव जीरो नेक्स्ट में हैविंग फोर सेवन फाइव जीरो अभी फोर सेवन फाइव जीरो के बाद कोई अबव पे नहीं है तो आप यहाँ पे लीव कर दो ठीक है थ्री फाइव जीरो जीरो पे किस कितने वर्कर की है वन वर्कर की तो मैंने यहाँ पे वन लिख दिया थ्री सेवन फाइव जीरो कितने वर्कर्स के ये भी वन वर्कर की है तो टेलीमार्क वन आ जाएगा फ्रिक्वेंसी भी वन आ जाएगी नेक्स्ट में हैविंग फोर थाउजेंड पे तो अगर आप काउंट करोगे तो फोर थाउजेंड पे फोर पर्सनस की है तो फोर पर्सन की पे फोर थाउजेंड यहाँ पे आ जाएगा वन टू थ्री फोर नेक्स्ट में हमें फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ अगर आप ये काउंट करोगे तो थ्री पर्सनस की है थ्री पर्सन की जो रुपीज़ है वेजेस है वो वन टू थ्री थ्री काउंट है तो वन टू थ्री ठीक है नेक्स्ट में फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ जो है वो एक वर्कर की वेज है तो आप ये एक लिख लो और यहाँ पे भी एक आ जाएगा ठीक है अभी आप इन सभी को काउंट कर लो काउंट करने पे आंसर कितना आएगा इट विल बी टेन तो टेन आ गया यहाँ पे भी टेन वर्कर्स है ठीक है हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही बना है ठीक है वॉट इज द रेंज ऑफ द वेजेस हमें यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है है. तो रेंज का मतलब क्या होता है रेंज इज इक्वल्स टू हाइएस्ट माइनस लोएस्ट तो हाइएस्ट रेंज कितनी माइनस तो कर दो माइनस करने वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज इतनी आ जाएगी हमारे पास रेंज ऑफ द वेज नेक्स्ट हैविंग हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग मैक्सिमम वेजेस मैक्सिमम वेजेस कितने वर्कर्स को मिल रही है तो मैक्सिमम वेजेस कितनी है? मैक्सिमम वेज कितनी है फोर सेवन फाइव जीरो और वो कितने पर्सन को मिले सिर्फ वन पर्सन को मिल रही है तो मैक्सिमम जो वेज है वो सिर्फ वन पर्सन को मिल रही है वन वर्कर को मिल रही है ठीक है सो नेक्स्ट में हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन इन फिफ्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद द मार्क्स ऑफ बाय बाई फोर्टी स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो हमें फोर्टी स्टूडेंट कुछ मार्क्स गिवन है हमें क्या करना है इसका कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना है ठीक है सबसे मिनिमम मार्क्स किसके हैं मिनिमम मार्क्स मेरे पास गिवन है टेन देन वी आर हैविंग मिनिमम मार्क्स ट्वेंटी देन वी आर हैविंग थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी देन एट लास्ट वियर हैविंग नाइन्टी नाइन्टी से ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं है तो हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स कितने आ जाएंगे नाइन्टी ठीक है देखो टेन मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं टू टेन मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं टेन मार्क्स अब काउंट करो तो टू स्टूडेंट्स के टेन मार्क्स आए हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी टू टेन मार्क विल बी वन टू ठीक है नेक्स्ट विल हैविंग ट्वेंटी कितने स्टूडेंट्स के ट्वेंटी मार्क्स आए हैं तो अब काउंट करोगे थ्री स्टूडेंट्स के ट्वेंटी मार्क्स आए हैं ठीक है इट विल भी वन टू एंड हियर वी आर हैविंग थ्री इट तो टेली मार्क् विल भी वन टू एंड थ्री थर्टी मार्क्स किसके आए हैं थर्टी मार्क्स थ्री स्टूडेंट्स के आए देन वी आर हैविंग वन टू थ्री फोर्टी मार्क्स कितने सेवन स्टूडेंट्स के सेवन स्टूडेंट्स के फोर्टी मार्क्स आए हैं तो सेवन लिख लो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव देन वी आर हैविंग सिक्स सेवन तो फिफ्टी मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए फिफ्टी मार्क्स सिक्स स्टूडेंट्स के आए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्सटी मार्क्स सेवन स्टूडेंट्स के आए हैं so, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बना लो इट विल भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नेक्स्ट में हैविंग सेवेंटी मार्क्स अगर आप काउंट करोगे तो फाइव स्टूडेंट्स के सेवेंटी मार्क्स आए हैं तो विल बी वन टू थ्री फोर फाइव नेक्स्ट में हैविंग एटी मार्क्स एटी मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं एटी मार्क्स फोर स्टूडेंट्स के हैं वन टू थ्री फोर एंड देन वी आर हैविंग नाइनटी मार्क्स नाइन्टी मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के थ्री स्टूडेंट्स के काउंट कर लो यहाँ पर थ्री स्टूडेंट्स के होंगे नाइन्टी मार्क्स तो इट विल भी वन टू एंड थ्री ये मैंने फ्रीवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया अब ये सभी फ्रीकवेंसीज को एड कर दो एड करने पर आंसर कितना आ जाएगा फोर्टी एंड हे आर आंसर फॉर्टी स्टूडेंट्स देन अवर फ्रीकुवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज राइट ओके नेक्स्ट टू हैविंग सेकेंड पार्ट फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्स इक्वल टू और मोर देन सेवेंटी सेवेंटी या सेवेंटी से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स है देखो सेवेंटी या सेवेंटी से ज्यादा सेवेंटी भी काउंट करना है और उससे ज्यादा वाले भी काउंट करने हैं सेवेंटी कितने हैं फाइव स्टूडेंट्स के एटी कितने हैं फोर स्टूडेंट्स के और नाइन्टी कितने हैं थ्री स्टूडेंट्स के इन सभी को ऐड कर दो ऐड करने पे आंसर कितना आएगा ट्वेल्व तो ये ट्वेल्व स्टूडेंट्स टोटल हैं जिनके मार्क्स सेवेंटी या सेवेंटी से ज्यादा हैं ठीक है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेन मार्क्स बिलो फोर्टी फोर्टी से बिलो मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं फोर्टी से बिलो मार्क्स देखने फोर्टी से कम वाले फोर्टी से कम वाले कौन से टेन ट्वेंटी एंड थर्टी टेन कितने हैं टू बच्चों के ट्वेंटी कितने हैं थ्री स्टूडेंट्स के थर्टी कितने हैं थ्री स्टूडेंट्स के इन सभी को ऐड कर दो ऐड करने पर आंसर कितना आ जाएगा आंसर विल बी एट स्टूडेंट्स तो एट स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने 40 फोर्टी से भी बिलो हैं ठीक है थेके? सो नेक्स्ट में हैविंग सिक्स क्वेश्चन इन सिक्स क्वेश्चन वी आर गिवन विद अरेंज द फॉलोइंग डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमें ये पूरे डाटा को क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे जो बड़ी टर्म है उसको पहले रखना है और सबसे छोटे टर्म को अपने लास्ट पर रखना है ठीक है तो देखो इन सब में सबसे बड़े टर्म कौन सी एन फोर पॉइंट वन तो डिसेंडिंग ऑर्डर विल भी फोर पॉइंट वन देन वी आर हैविंग फोर पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट नाइन देन अगेन वन मोर थ्री पॉइंट नाइन इज देयर सो थ्री पॉइंट नाइन देन वी आर हैविंग थ्री पॉइंट एट अगेन थ्री पॉइंट एट

दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डटर माइंड द रेंज फर्स्ट पार्ट मेको फाइंडआउट करना है रेंज तो रेंज का मतलब क्या होता है रेंज विल भी हाइएस्ट टर्म माइनस लोएस टर्म तो हाइस्ट टर्म कौन सी है फोर पॉइंट वन माइनस लोएस्ट टर्म कौन सी है थ्री पॉइंट वन इनों को माइनस कर दो माइनस करने पर आंसर कितना आ जाएगा आंसर विल भी वन ओके okay? तो रेंज कितनी आ जाएगी सभी डाटा की रेंज आ जाएगी वन देन वी आर हैविंग सेकंड पार्ट हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव से लेस कितने नंबर्स हैं देखो थ्री पॉइंट फाइव से लेस थ्री पॉइंट फाइव से लेस वाले कितने नंबर्स हैं इट विल बी वन टू थ्री फोर तो लेस देन थ्री लेस देन थ्री नंबर्स आर फोर ओके आप लिख भी दो यहाँ पे कौन कौन से दैट इज़ 3.4, 3.3, 3.2, थ्री देन वी आर हैविंग 3.1, पॉइंट वन देन वी आर हैविंग थर्ड पार्ट इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद हाउ मेनी नंबर्स आर 3.8 और अबव 3.8 या उससे अबव कौन से नंबर हैं थ्री पॉइंट एट या उससे ज्यादा वाले नंबर कौन से थ्री पॉइंट एट आंसर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आंसर कितना आ जाएगा सिक्स और नंबर भी, भी लिख सकते हो दैट इज थ्री एट थ्री एट देन वीअर हैविंग थ्री पॉइंट नाइन थ्री पॉइंट नाइन फोर पॉइंट जीरो फोर पॉइंट वन ये जो नंबर है थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट एट से ज्यादा है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच